देखिए एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन अगर आएगा कॉम्पिटिटिव अपन को देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव देना है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये वैसे काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, बट एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो कहेगा इफ़ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो देन दिस होल एक्सप्रेशन इज, ऑप्शन रहेगा डिपेंडेंट ऑन ए डिपेंडेंट ऑन बी इज अ कॉन्स्टेंट या इंडिपेंडेंट ऑन ए ऑफ बी, चौथा एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ऐसा कर सकता है कि यार एक ऑप्शन ये बना करके दे दे एज अ कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑन ए ऑन बी, एक ऑप्शन हो सकता है ये बना के दे दे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले फंक्शन उठा लो, तो आपको चाहिए कि आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे चाहिए हैं, एक आपको चाहिए डबल डेरिवेटिव और एक आपको चाहिए सिंगल डबल सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस क्वेश्चन ले लो यहाँ से, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? टू टाइम एक्स माइनस ए, ओके टू बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस ए फिर एक्स का होगा वन और ए का जीरो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका क्या हो जाएगा? टू टाइम्स वाई माइनस बी और यहाँ पे फिर क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का करोगे इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो यार डी बाई डी एक्स निकाल लो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? ये पहले ये जाएगा उस तरफ, तो माइनस टू ऑफ एक्स माइनस ए और फिर टू टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, टू टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी, बच्चों टू से टू कैंसिल हो गया, सो इट विल गिव यू डी बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये हो गया, ये आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी आ गया, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स। अब आपको क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव भी तो निकालना है, तो चलो डबल डेरिवेटिव निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे पुट तो करना पड़ेगा ना, बाद में देखेंगे जो भी होगा सॉल्व वॉल्व करना, बट पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो आपके पास कितना आया डी बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो डी बाई डी एक्स आपके पास रखा हुआ है नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो डी बाई डी एक्स आपके पास रखा हुआ है नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये रखा हुआ है। तो मन क्या कर रहा है यार कि माइनस में किसी को खिला दूं क्या? हाँ खिला देता हूँ मैं, x माइनस ए को मैं a माइनस एक्स कर लेता हूँ माइनस साइन दे करके, है ना, तो थोड़ा सा चैन मिल जाएगा। x माइनस ए को मैंने इधर कर दिया माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, ये हो गया। ठीक है मुस्कान, क्लियर है? यस सर। अब चलिए डबल डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, क्या बनेगा? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब y माइनस बी होल डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कर रहा हूँ मैं इधर, क्या निकल करके आएगा देखिए मेरा y माइनस बी और a का जीरो और x का हुआ माइनस वन माइनस ए माइनस एक्स और यहाँ पर क्या हो गया इसका डी वाई बाई डी एक्स, ओके और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास डबल डेरिवेटिव्स का। अब देखिए क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई है, अब मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये है देखो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ पुट तो कर ही देता हूँ डी वाई डी एक्स की वैल्यू, ओके तो कितना आएगा थोड़ा छोटा लिखूँगा, वाई माइनस बी और माइनस में है तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन का, तो ये हो जाएगा बी माइनस वाई माइनस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई फिर से ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी होल डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। यार देखो बच्चों एक चीज़ देखो, अगर मैं ये माइनस साइन इसको दे देता हूँ तो ये बन जाएगा b माइनस वाई, ये जो ऊपर माइनस है ना
अगर मैं नीचे खिला देता हूँ तो ये बन जाएगा बी माइनस वाई, और ये बी माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो खैर थोड़ी सी मतलब कुछ नहीं कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखो कैसे सॉल्व करूँ मैं इसको। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, बी माइनस वाई है, एक काम करो माइनस साइन वापस कॉमन ले लो और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है ही है भाई, ओके। और ये आ जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब, ओके। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो है ना माइनस ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा चाहे तुम ए माइनस एक्स लिखो चाहे तुम एक्स माइनस ए लिखो, बात तो बराबर है। तो मेरा मन ये कह रहा है कि इसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लो अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलो भाई आ गया, क्या आ गया मेरे पास, आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इतना आ गया। अब मुझे वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, सबसे शुरुआत में देखिए क्वेश्चन क्या है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है इतना सा, ठीक है। वन प्लस ये जो एक्सप्रेशन है मुझे चाहिए इतना एक्सप्रेशन, तो चलो सारी वैल्यू तो मेरे पास है तो मैं क्या करूँगा वन प्लस, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है कितना है, डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला था ना, ये देखो डी वाई डी एक्स कितना है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो अगर तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और केवल ऊपर बचेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर और नीचे बचेगा वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो ऊपर बच गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर और नीचे बच गया वाई माइनस बी का स्क्वायर, ओके। ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये तो मैंने अभी निकाला है कितना, यदि मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे को और अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे वाई माइनस बी की पावर थ्री, तो मैं ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे ले जा के रख सकता हूँ, क्या है नीचे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब निगेटिव ऑफ पुट कर दूँ वैल्यू, पुट कर देता हूँ निगेटिव ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का क्यूब, चलो भाई ठीक है, केवल सॉल्व करने की देरी है बच्चों, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर कितनी है थ्री बाई टू, ओके, अपॉन निगेटिव ऑफ y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर, क्यूब था ना, हाँ क्यूब था। देखो बच्चों अब तुम क्या करो, ये जो पावर थ्री बाई टू है ना दोनों को बांट दो, तो ऊपर वाले में भी पावर थ्री बाई टू दे दो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया, तो ऊपर वाले को भी पावर थ्री बाई टू दे दो और नीचे वाले को भी पावर कितनी दे दो थ्री बाई टू। तो ध्यान से देखो भैया, ये जो टू है इससे ये टू कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा वाई माइनस बी का होल क्यूब, और ये भी क्या बैठा है y माइनस बी का होल क्यूब, ओहो क्या बात है भाई। तो अब क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर की ओनली पावर थ्री बाई टू, और नीचे बचा है नेगेटिव बाहर y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा एक बार और ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़रा क्वेश्चन देखो आप लोग, वाई एक्स माइनस ए स्क्वायर और वाई माइनस बी स्क्वायर क्या था, सी स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे जो है वो सी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, मतलब ये जो ऊपर बन रहा है ये एक्चुअली है सी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू और नेगेटिव ऑफ ये क्या है भैया ओनली ओनली सी स्क्वायर है, तो टू से टू कैंसिल, कितना आ गया सी का क्यूब
और माइनस तो रहेगा अपॉन सी का स्क्वायर, एक एक कैंसिल, आंसर कितना आ गया माइनस का सी, दैट इज़ अ कांस्टेंट। ना तो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना तो ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल एक कांस्टेंट है। और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करके लाना था कि प्रूफ करो ये कांस्टेंट है ना। तो देखो जरा देख लेता हूँ इसका सॉल्यूशंस में। सो दिस 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 इट इज़ ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्व किया मैंने जी इसको, इनके अपने तरीके हैं। ओके, ये देखिए बिल्कुल सही आया भाई, माइनस सी एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। बोलो बन जाएगा बच्चों अब। हेलो बताएं आप लोग प्लीज़, बन जाएगा? मुस्कान आमिन क्लियर है? यस सर, सर एक बार ओके, सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हाँ मैं सोल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ, प्लीज़ देखेंगे। देखिए जो आमिन आपने क्वेश्चन पूछा एग्जाम्पल नंबर थ्री, ये जो है अगर डोमेन स्पेसिफाइड हो डिफरेंशिएशन में, ओके, तो अगर डोमेन दी गई है तब आपको डिफरेंशिएशन अलग तरीके से करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ गया वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक है? तो बच्चों देखिए आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास साइन इनवर्स में, साइन में हम क्या देते हैं, एंगल देते हैं, और अगर आपका एंगल माइनस पाई बाई टू से प्लस, मतलब यहाँ पर आपके पास अगर माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई वैल्यू है, मतलब इसको ऐसे समझो बच्चों कि आप यदि कहोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स में तभी ब्रेक होगा व्हेन एवर ओनली एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो ये दिखने में ये बात बहुत सिंपल लग रही है बट इसके बहुत ज़बरदस्त मायने हैं, तो पहले इसको नोट कर लो, अभी पता चलेगा इसके इसके जो मायने हैं वो कितने खतरनाक हैं। तो पहले इसको नोट करो, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स का जो एंगल होता है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है। ओके, एक्स का जो एंगल होता है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, नोट कर लो। नोट कर लिया, डन बोल दो। डॉक्टर हाँ जी ठीक है, अब देखो इस पर बेस जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, आमिन मेरी आवाज़ सुन रही हो तुम? यस सर, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन दिया है वो बोला है कि सर वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³ है। अगर नॉर्मली आपने मेरे को कुछ नहीं दिया होता इसका डोमेन ओमेन कुछ भी नहीं बोले होते तो मैं ये मान करके चलता कि ये एक डिफाइंड है, जो भी इसकी सिचुएशन है वो डिफाइंड है। तो मैं क्या पुट करता, मैं पुट करता एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मैं पुट करता एक्स इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स की जगह मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, साइन इनवर्स एक्स। सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, ये बनता। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3θ। तो पहले ये चेक करो कि क्या इस साइन को एलिमिनेट करने का अधिकार है। इस साइन को एलिमिनेट करने का अधिकार तभी है जब ये 3θ जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में हो। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं दिया रहता तो नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं कि वो इसको एलिमिनेट कर लेगा। सो वाई इज इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा, 3θ, यानी कि 3 और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। हाँ तो कितना आ गया आंसर, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर।
बट ये इनकम्प्लीट है बच्चों, और मैं तो ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे डायरेक्टली लिखना ये मैथ्स का अपमान है, बिना डोमेन के यदि इस क्वेश्चन को लिखा जाए तो ये गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स वाले फंक्शन में आपको डोमेन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहले इतना पार्ट नोट कर लो, फिर मैं तीन डोमेन लेता हूँ अलग अलग, और तीनों अलग अलग डोमेन पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं, और बहुत सारी नई बात आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे होता है। इतना नोट कर लीजिए। डन यस सर। ठीक है, अब देखिए वो तीन कंडीशन लिखिए, वो तीन कंडीशन क्या हैं जो इस क्वेश्चन में मांगी जा रही हैं आपसे, वो तीन कंडीशन का क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दौड़ के देख के लग रहा है कि तुरंत 3 साइन इनवर्स x कर दें, बट पहली कंडीशन दी गई है x इज बिटवीन माइनस 1/2 टू प्लस 1/2, प्लस 1/2। दूसरी कंडीशन दी गई है x इज बिटवीन 1/2 टू 1, और तीसरी कंडीशन दी गई है x की वैल्यू 1 से लेकर के माइनस 1 से लेकर के 1/2 के बीच में है। मतलब देखा जाए तो माइनस वन से लेके वन तक पूरा का पूरा डोमेन जा रहा है, उसको बांट दिया गया है। मतलब देखा जाए तो अगर एक्चुअली यदि मैं इसको बनाऊं माइनस वन और लास्ट वाले कोने को लिखूं मैं प्लस वन, तो एक जा रहा है माइनस वन से लेकर के 1/2, फिर एक जा रहा है 1/2 से लेके 1, और एक है माइनस 1/2 से 1/2। तो ठीक है, मिक्स डोमेन है, इसको एक साथ बना पाना यहाँ पे संभव नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उठाएंगे ये वाला रीज़न उठाएंगे कि इस वाले रीज़न में इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो बच्चों दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप एक्स की इसके बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो माइनस 1/2 से लेके 1/2, ठीक है ना। और बट वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उस तरीके में केवल ये पता चलेगा आपको कि साइन के अंदर की चीज़ क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि साइन के अंदर की चीज़ माइनस वन से प्लस वन के बीच में तो होगी, और ये सब के सब माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, और अगर आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल जीरो डाल रहे हो, चलो जीरो डाल रहे हो आपने माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच का जीरो डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 0 0, और ये भी हो जाएगा 4 × 0 0। मतलब ये जो वैल्यू है माइनस वन से प्लस वन के बीच में जीरो आ रही है, बट इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस हमारा आंसर तो ऐसे गलत आ जाएगा, क्योंकि जीरो तो किसी में भी मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब ये कि हम साइन का कोई पर्टिकुलर एंगल जीरो के केस में बना सकते हैं, ये थोड़ा ईजी पड़ गया। तो यदि हम देखें इस जीरो को, तो आप लिख सकते हो कि सर मैं इसको साइन जीरो लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकता हूँ। मतलब सर ये जो आपका एंगल बन रहा है अंदर का पूरा एंगल, ये जो है ये जो एंगल आ रहा है जीरो, वो माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में है, बिल्कुल हाँ है। और जब वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो आंसर उस समय हमारा यही आएगा डोमेन में, ये वाला आंसर आएगा, मतलब 3/1 − x². तो या तो है एक तरीके से एक वैल्यू रख करके करना, बट वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, मैं वो मेथड आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि कब तक वैल्यू रख करके चेक करोगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू पर आपका एंगल मिले। चलो जीरो पर तो दे रहा है, अब 1/2 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू रखोगे बताओ, वो कोई वैल्यू रखो। अब उस वैल्यू पर आपको कोई साइन का एंगल तो मिलेगा नहीं, तो पहले वाले में तो चलो आपका ये ट्रिक लग गया, मगर दूसरे और तीसरे वाले में ये ट्रिक नहीं लगेगी। समझ में आई आपको मैंने क्या बात कही रोहित? हाँ सर। हाँ तो अब चलिए इसको एक लीगल मेथड से इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को लिख लो
कि y इज इक्वल्स टू, सबके लिए एक जनरल प्रोसीजर लगाएंगे, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, और हर बार के लिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है आपको। x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 sin θ, ये क्यूब है यार बच्चों, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। तो बच्चों जी ये बन गया साइन इनवर्स साइन 3θ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3θ। हाँ अब एलिमिनेट मत कर दो भाई, अब अभी एलिमिनेट करने का अधिकार नहीं है आपको, इसको देना हो तो कोई नंबर दे दो, बट इसको एलिमिनेट करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब 3θ का पता लगाओगे, आपकी 3θ कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसी का पता लगाना है, इसी के पता लगने के बाद आप जो है इसको एलिमिनेट कर पाओगे। चलो पता लगाते हैं। तो पहला केस है, आपका कि एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है -1/2 से +1/2 के बीच में। एक्स क्या है अपना बच्चों जी, साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से लेके +1/2 के बीच में, बड़ी अच्छी बात है भाई। -1/2 कितना होता है, -1/2 अगर एक्स की वैल्यू -1/2 से लेके 1/2 के बीच में है, मतलब ये थीटा कितना होगा, मतलब थीटा जो हो रहा है, एक काम करो इसको थोड़ा सा और अच्छा आपके लिए लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -1/2 को -sin कितने डिग्री, साइन 30 π/6 से लेके साइन थीटा, सॉरी इक्वल है नहीं, साइन 30 बोलो आमिन और रोहित, लिखा जा सकता है ऐसा कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ -π/6 से लेकर के साइन ऑफ π/6। क्या समझ में आया कि जो थीटा है वो मेरा -π/6 से लेके +π/6 के बीच में है। चलो भाई ये सफलता मिल गई हमें थीटा के बारे में, मगर हमारी गोटी कौन फंसाया हुआ है, 3θ। तो हमें थीटा जा रहा है -π/6 से लेके +π/6। अब हम थीटा सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो हम बात करेंगे कि अगर थीटा -π/6 से लेके +π/6 है तो 3θ, 3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3θ मतलब 3 - 3π/6 से लेकर के +3π/6, कैंसिल कर दो, मतलब -π/2 से लेके +π/2। और यही तो मैं आपको कहता हूँ कि जब ये प्रिंसिपल डोमेन है, मतलब आप क्या कह सकते हो, 3θ बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, मतलब ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में है। सो इस समय ये जो आपका फंक्शन था कहाँ गया, ये था, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस समय पे इस टाइम ओके सो दिस टाइम जो y टूटेगा वो किस में टूटेगा, 3θ में टूटेगा। सो y इज इक्वल टू 3 और थीटा की जगह साइन इनवर्स x, सो 3 और साइन इनवर्स x का मतलब 1/√1 - x². बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया रोहित पहला केस? हाँ तो याद रखना थीटा के लिए देखना, अभी दूसरे केस में और मजा आने वाला है भाई, दूसरे केस में और जबरदस्त है। एक्सक्यूज मी बच्चों, हाँ साक्षी सेकंड वीडियो हो गया, थर्ड करो अब, बस थर्ड कर लिया तो फिनिश हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों इसके आगे देखते हैं, पूरा करो। चलो नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस जो है हमारा वो है हमारे पास कि एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है, ठीक है 1/2 से 1 के, और एक्स हमने क्या माना था, हमने एक्स इक्वल टू माना था साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या माना था साइन थीटा। तो ये लिखिए भैया कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है, तो खुद से अंदाज लगाओ कि थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जब साइन थीटा 1/2 से 1 के बीच में आ रहा है तो साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है, और 1 कितने के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है, मतलब थीटा 30 to 90 जा रहा है। अब मैं डिग्री आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक वाले तो रेडियन लिख देते हैं, बट अपन का जो सॉफ्टवेयर है वो डिग्री है। चलिए तो थीटा हो गया, हमको क्या चाहिए बच्चों, 3θ, मतलब जो 3θ है वो कितना जाएगा, 90 डिग्री टू
मीटर, 93 जा कितना 270 डिग्री, ओके। तो 3 थीटा हमारा जाएगा 90 डिग्री टू 270 डिग्री, ओके, जिसको आप लोग रेडियन में लिख सकते हो 90 डिग्री टू कितना, 90 को क्या लिखोगे पाई बाई टू, सॉरी बच्चों यहाँ पे मेरे को पाई बाई टू लिखना था, पाई बाई टू से लेकर के 270 मतलब 3 पाई बाई टू। अब ये देखो, ये लाइन पकड़ो, बस ये लाइन पकड़ो बच्चों, 3 थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 थीटा जा रहा है 90 से लेकर के 270, और हमें इस 3 थीटा को खसीट करके, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा तब थीटा निकलेगा जब ये जो एंगल होगा, जो भी इसके अंदर भरा हुआ मसाला है, वो 90 से ले माइनस 90 से लेके प्लस 90 होगा। तो आप महसूस करो, अगर मैं इस 3 थीटा में से कितना माइनस कर दूं 180, तो ध्यान से देखो, ये भी हो गया 90 माइनस 180 और ये भी हो गया 90 माइनस 180, यस और नो? अगर मैं इसमें से 3 थीटा में से 90 माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, 90 माइनस 180 और 90 माइनस 180 मतलब ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 90 एंड 3 थीटा माइनस 180 से लेके प्लस 90। रोहित क्लियर? हाँ सर। माइनस साइन का थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस 90, साइन पलट गया, ये कितना हो गया 180 माइनस 3 थीटा, और ये हो गया क्या माइनस 90। माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से, अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखो, तो ये क्या है बच्चों, ये है पाई माइनस 3 थीटा, है ना, कि वैल्यू माइनस पाई बाई टू मतलब माइनस 90 से बड़ी है और प्लस 90 से छोटी है, जी हाँ। तो क्या मैं इस 3 थीटा को यहाँ जो है इस डोमेन के लिए, अगर ये एंगल खुलना चाहता है तो मुझे इसे पाई माइनस 3 थीटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाई माइनस 3 थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है। बोलो समझ में आया कि उड़ गया? तो 70 की जगह 90 माइनस 180 समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए एक बार यहाँ से फिर से देखिए कि देखिए यहाँ पे ये था, ठीक है, इधर तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2 थीटा की वैल्यू जो है 90 से लेकर 270 के बीच में लाई कर रही है। बट हमको ये जो वैल्यू लेकर के आनी है, कहाँ लेके आनी है, हमको ये वैल्यू लेकर के आनी है माइनस 90 से प्लस 90। तो माइनस 90 से प्लस 90 करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 180 यहाँ किया, तो 3 थीटा माइनस 180 यहाँ हुआ और 270 माइनस 180 यहाँ हुआ। ध्यान से समझो भाई, तो ये हो गया माइनस 90 और ये हो गया 3 थीटा माइनस 180 और ये क्या बन गया प्लस 190। चलो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस 1 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, साइन चेंज, ओके, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन का मल्टीप्लाई किए हो ना, और ये 90 से बड़ा। बच्चों इसको रेडियन में लिख दो, बस मैं ये चाहता हूँ। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पाई माइनस 3 थीटा माइनस 90 है, इज ग्रेटर देन माइनस 90 बट इट इज लेसर देन 90 डिग्री। सो व्हाट यू कैन राइट, पाई माइनस 3 थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, क्यों, ये देखो ना माइनस 90 से बड़ा है और प्लस पाई बाई 2 से क्या है छोटा है, बस। तो यहीं पर आ जाओ, अब रोको अपनी कलम को और वापस अपने क्वेश्चन पे पहुंचो, क्योंकि कंडीशन क्या लग रही है, सेकेंड नंबर की कंडीशन है और सेकेंड नंबर की कंडीशन पे इसको ऑपरेट करना है, सेकेंड नंबर की कंडीशन पे इसको ऑपरेट करना है। तो क्वेश्चन में वापस आओ, y इक्वल टू कितना बना था, साइन 3 थीटा बना था हमारे पास, सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा बना था, ओके, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 थीटा, y इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 थीटा, ठीक ना, एक बार चेक कर लें,
हाँ ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा था, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स भी लिखना पड़ेगा मेरे को अभी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा। तो बच्चों जी साइन इनवर्स जबरदस्ती अपन इसको डोमेन में लेकर के आए गए, मगर क्या बनाना पड़ गया हमारे पास, साइन ऑफ पाई माइनस थ्री थीटा। अब साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, सो वाई इज इक्वल टू बन गया पाई माइनस थ्री थीटा। कब के लिए, जो आपने मुझे डोमेन दिया था फॉर एक्स इज बिटवीन, कितना था भाई पहला क्वेश्चन आपका डोमेन, 1/2 to 1। जी हाँ ये सब कुछ 1/2 to 1 के लिए चल रहा है। तो पाई माइनस थ्री थीटा, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस थ्री, और थीटा क्या है साइन इनवर्स x है, ये तो शुरू में ही किया था। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, पाई का डिफरेंशिएशन 0, 3 का कांस्टेंट 3 बाहर, और 1/(1 − x²)। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पर आंसर आ रहा है −3/(1 − x²) इस केस में। गलती मत करना प्लीज़, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलो तीसरा केस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा केस करेंगे और थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है तो फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन चल रही है, वाई थी थर्ड केस बच्चों, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ थ्री थीटा, ये तो है। इसको चलते और साथ में क्या सिचुएशन दे रखी, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू लिख लो −1 से लेके −1/2, जो एक्स की वैल्यू −1 से लेके −1/2, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू −1 से बड़ी है और −1/2 से छोटी है। हमने एक्स क्या माना है, हमने एक्स माना है साइन थीटा, हमने एक्स माना है साइन थीटा, तो हम एक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू −1 से लेकर के −1/2, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, सोचो मन में कि −1 काहे के लिए मिलता है। तो बच्चों −1 मिलता है साइन −90 के लिए, और −1/2 काहे के लिए मिलता है बच्चों, साइन −30 के लिए। यार इतने छोटे मोटे एंगल तो याद करने पड़ेंगे, सब कोई जानते हो कि साइन −θ = −sin θ, मतलब −90, और ये हो गया साइन −30। चलो ठीक है, मतलब यहाँ से थीटा दिख गया, क्योंकि साइन साइन सबसे हट गया, मतलब जो थीटा है वो −90 से बड़ा है और −30 से छोटा है। ओके, तो जो थीटा है हमारे पास वो −90 से बड़ा है और −30 से छोटा है, मगर हम किस पे खेल रहे हैं, हम तो थ्री थीटा पे खेल रहे हैं क्योंकि अपना एंगल तो थ्री थीटा है। तो ज़रा इंक्वायरी करो भैया, थ्री थीटा तुम कहाँ हो, और हमारी तमन्ना क्या है, हमारी तमन्ना है कि जो हमारा थ्री थीटा है वो बिलोंग करे कहाँ, −π/2 से लेके +π/2, जिसको देसी भाषा में हम बोलते हैं कि थ्री थीटा शुड बी बिलोंग्स टू −90 से लेके +90 तो करे। ये डिग्री और रेडियन का पंगा हम लोग को बहुत रुलाता है, मुझे बात पता है। एक तो अपन डिग्री में पढ़ के आए जिंदगी भर, फिर एकदम से रेडियन आ जाता है, तो रेडियन में अपना फीलिंग काम नहीं करती। चलो खैर, तो थ्री थीटा मल्टीप्लाई कर दो −270°। ओके, और ये कितना −90। चलो ओके, अब क्या करें इसके साथ, ये बात तो तय है कि इस बार माइनस नहीं करना, इस बार प्लस करना है। क्या करें इसके साथ कि ये अपने डोमेन में खिंच के आ जाए, अटेम्प्ट मारो 180° प्लस करके देखो दोनों तरफ। तो −270 में 180 ऐड करो, यहाँ पे 3 थीटा में 180 ऐड करो, ओके, और यहाँ पे कितना ऐड करो भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप जो है −90 में 180 ऐड करो, देखो ज़रा क्या होता है। तो यहाँ पे हो गया अपने पास 180 −270 मतलब −90, और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 3θ + 180, वो तो वही चाहिए हमारे पास 3θ + 180, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कितना +90। ओके, मतलब जो 3θ + 180 है वो हमारे पास जो है वो लाई कर रहा है, 3θ + 180 जो है वो लाई कर रहा है कितने पे, −90 से लेके +90। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, देखो अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे।
ये सब मैं मिटा रहा हूँ यार। थ्री थीटा है, आप जानते हो सब लोग कि सब लोग इस बात को ऐसे समझते हो कि हम थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या होता है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई के पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट लगता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। मगर साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, बड़ी दिक्कत की बात है। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है ना वो माइनस साइन थीटा हुआ करता है, मतलब हमें ये थ्री थीटा प्लस 180 हम यहाँ ला पाने में मजबूर नहीं है, मतलब हमें प्रॉब्लम है, हम थ्री थीटा प्लस 180 नहीं ला सकते हैं, तो हमें इसको कुछ ऐसे घुमा के करना है इस काम को कि हम इस काम को कर सकें। तो रुकिए जरा, कैसे करेंगे जरा देखिए, थोड़ा सा इसको घुमाना है आपको, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यदि मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दूँ और मैं इसको लिख दूँ साइन 180 प्लस थीटा थ्री थीटा, तो बताइए क्या कोई गलत कर रहा हूं मैं? बोलिए बच्चों, अगर मैं लिख दूं माइनस साइन लगा करके साइन 180 प्लस थ्री थीटा, तो क्या ये कुछ गलत है रोहित की सही है? हेलो रोहित, रिप्लाई तो करो भाई। हाँ सर, क्या क्या तुम क्लास में हो? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको साइन थ्री थीटा को अगर मैं माइनस साइन 180 प्लस थ्री थीटा लिख दूँ तो चलेगा? समझ में नहीं आया क्या ये क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर, 180 लाएंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वहाँ तो साइन नेगेटिव होता, सही तो है? हाँ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो मेरा हिसाब बराबर हो गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब देखो जो यदि मैं इस चीज को अंदर ले आऊं, यदि मैं इस चीज को अंदर ले आऊं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थ्री थीटा माइनस 180। अभी बताओ क्या ये एंगल माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? मैंने ये माइनस अंदर कर दिया भाई, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, अंदर होगा कि नहीं होगा? आमिन रिप्लाई करो प्लीज, बताना तो पड़ेगा ना, नहीं समझ में आ रहा तो मैं, होगा कि नहीं होगा अंदर? यस तो होगा। हाँ रोहित, समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? हेलो चलिए देखिए, रोहित रिप्लाई कर भाई। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, बोलो। मैंने कहा हाँ। क्या मैं इस माइनस साइन को अंदर कर दूं तो ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन में बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ रहेगा सर। बस बस खत्म, इतना ही समझना है कि ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन में रहेगा, और जैसे ही आपने कहा कि सर ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन में है, इसका मतलब हम इस साइन को इस साइन से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस थ्री थीटा माइनस का 180 डिग्री, 180 डिग्री कांस्टेंट है, सो y इज इक्वल टू माइनस थ्री और थीटा की जगह क्या साइन इनवर्स x, आंसर माइनस थ्री
मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लो। तो इसका आंसर आएगा थर्ड केस में माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टोटल तीन केस थे, अब इनके आंसर्स क्या क्या आए हैं एक बार में मैं बता देता हूँ, इनके आंसर्स देख लीजिए। फर्स्ट पहले थर्ड वाले केस में आया है माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले केस में क्या आया था यार, फर्स्ट वाले केस में आया था शायद थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ। और सेकेंड वाले केस में क्या आया था देखना पड़ेगा, सेकेंड वाले केस में क्या आया था, हाँ सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में भी माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड वाले केस में भी माइनस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा ये कहना है प्लीज़ आप लोग जो क्वेश्चन आए बड़े एग्जामिनेशन में, यदि जो क्वेश्चन आते हैं वो डोमेन बेस्ड आएंगे तो उनमें डोमेन देख लेना कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसी पर बेस्ड, चलिए बच्चों करिए। साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 रेडियन, चलो बताओ साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 रेडियन, बी माइनस 10 रेडियन, सी पाई प्लस 10 रेडियन, डी पाई माइनस 10, ई 2 पाई प्लस 10, एफ 2 पाई माइनस 10, जी 3 पाई प्लस 10 और एच 3 पाई माइनस 10। बोलिए कौन सा सही है। 6 टोटल कितने ऑप्शन, 8 ऑप्शन दे दिए मैंने, 8 ऑप्शन में बताओ कौन सा आंसर सही है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 रेडियन मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है उसको, उसी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने की, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट लगे वैसे यहाँ पे भी लगेंगे। बट ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता पूरे तरीके से क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। स्टिल बताइए रोहित बनेगा। हाँ सर करता हूँ, करो। ओके देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। जो हमारे पास साइन का प्रिंसिपल डोमेन होता है, जैसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, तो हम क्या चाहते हैं कि जो एक्स है हमारा जो एंगल है वो माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में हो। यही कहते हैं ना, मतलब माइनस 90 से लेकर के प्लस 90 के बीच में हो, ये एंगल माइनस 90 से लेके प्लस 90। ओके ये डिग्री है यार, ये देखो एक बात डिग्री है बच्चों। अब बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करना क्योंकि ये डिग्री है, बट 10 यहाँ पे क्या है रेडियन है। बहुत आराम से देखो 10 रेडियन है, तो हमको डिग्री वाला पंगा नहीं चलेगा यहाँ पे, हमको रेडियन में लाना पड़ेगा। बच्चों पाई जो होता है वो कितना होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू जो होता है ना वो कितना रेडियन एंगल हुआ करता है। पाई मतलब 22 अपॉन 7 और 2 कर दो मतलब 22 अपॉन कितना 14, पाई बाई टू मतलब 22 अपॉन 14। तो इसको सॉल्व करो, देखो सब लोग जानते हो कि पाई का मतलब कितना हो 3.14 होता है, मतलब पाई बाई टू कितना होगा 1.57, मतलब आपका जो एंगल आना चाहिए वो 1.57 रेडियन नेगेटिव से लेके प्लस 1.57 में आना चाहिए। बोलो हाँ क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया भाई। पाई बाई टू है ना रेडियन में, तो ये रेडियन है ना रेडियन, पाई बाई टू रेडियन को करोगे तो 1.57 से लेके माइनस 1.57 से लेके प्लस 1.57,
और ऑप्शन में आप सारे एंगल चेक कर लो, केवल 3π - 10 जो है वो इसके बीच में होगा, 1.57 के बीच में, देख लो 3 × π, π मतलब 3.14 - 10, तो जरा कैलकुलेटर में करना 3 × 3.14, जल्दी से देखना, मैं ही कर लो, 3 × 4 = 12, 2, 3 और 1 3 हो गया, ओके, एंड 9.32 - 10, तो 9.32 - 10 कितना आएगा, 0.68, और हमारे पास जो एंगल है ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज 3π - 10, और हमारे पास जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो एक्सिस बिटवीन -1.57 से लेके +1.57, देख लो 0.68 क्या इनके बीच में आता है, आता है, करेक्ट, तो आंसर क्या होगा अपने पास, 3π - 10, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसको बेटा, किसको -0.68, किस चीज को -0.68, 9.32 हाँ माइनस, सॉरी हाँ माइनस ही आएगा ना, तो फिर भी तो स्टिल तो इसके बीच में है, देखो ना वो माइनस ही था बेटा, तो वो -1.57 से लेके +1.57, तो बीच में जीरो है, तो यहाँ कहीं पर होगा -0.68, तो हमारे प्रिंसिपल डोमेन में ही तो है, तो मतलब 3π - 10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाँ वहाँ पे माइनस ही आएगा, राइट, डन, देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल्स टू, ले लो वाई इक्वल्स टू है साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x प्लस लॉग ऑफ 2/2, देखो रोहित तो लॉग 2/2 तो 1 हो जाएगा, x प्लस 3 कूद करके नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ यस सर, वो तो फुल टाइम पास है, अब केवल हमारे पास बचा भाई ये, ठीक है ना, अच्छा देखो एक चीज़ ये है, अगर मैं रोहित यहाँ पे 1/2 नीचे कर दूँ और 2 ऊपर कर दूँ, तो 2 साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2 ए होता है कि नहीं होता, यस सर, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 और साइन 2 ए मीन्स साइन 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई कॉस 3x, ठीक है, हाँ नाउ अब यहाँ पर ये कॉस 3x हो गया, फिर से मेरे को और ये x प्लस 3 तो टाइम पास बैठा रहेगा कोई नहीं, अब फिर से मेरे को यहाँ पे एक एंगल लगाना है, तो मैंने 2 का डिवाइड किया तो और 2 का मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये 2 इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 2 साइन 4x और कॉस 3x साथ में आ जाए, आ जाए, हाँ अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पर आप डायरेक्टली वो लगा तो सकते हो मल्टीप्लीकेशन रूल, भाई बिल्कुल लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, ठीक ना, उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड करना पड़ेगा, सेकेंड इंटू फर्स्ट, वो भी सही है और बस इसमें ये सही है, हाँ इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये आदत डालोगे तो इंटीग्रेशन में इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में फंक्शन को मल्टीप्लाई फॉर्म से सम फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, हाँ समझ गए, तो चलो भाई वाई इज इक्वल टू 1/4 को साइड में लो, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके, तो साइन 4x प्लस 3x यानी कि साइन 7x और साइन 4x माइनस 3x मतलब साइन x, बस खेल ख़त्म, ओके 1/4 और x प्लस 3, चलो कर दो डिफरेंशिएशन क्योंकि बोला है डी बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू पाई पर, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/4 बाहर बैठा रहेगा, साइन 7x का डिफरेंशिएशन कॉस 7x और 7x का 7, क्लियर, हाँ फिर साइन एक्स का कॉस एक्स
और इसका एक्स का 1 और 3 का 0। हाँ चलिए कभी वैल्यू पाई पुट कर दो, एक्स इक्वल टू पाई, सो डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू पाई पुट करो भाई, तो 1/4 बाहर है, 1/4 7। अब कॉस एन पाई का फॉर्मूला लिख लो रोहित, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर एन। ओके हाँ तो यहाँ पे कॉस 7 पाई है, मीन्स -1 की पावर 7, कॉस 7 पाई इक्वल टू -1 की पावर 7 प्लस कॉस कितना है पाई, कॉस पाई होता है -1। ओके प्लस 1 प्लस 0, चलो 1/4 हाँ देखो 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर 7 ऑड ही तो है, तो 7 इंटू -7 माइनस कितना हो गया, -7 -1 -8 प्लस 1, सो 4 टू ज़ा -8 तो -2 प्लस 1, बेटा आंसर चेक करो डी -1। हाँ ओके देखो हाँ राइट है, बिल्कुल सही है, -1 चेक कर लिया मैंने। ओके बोलो क्लियर है ना। हाँ सर हो गया। और कोई क्वेश्चन नहीं सर अभी तो, अभी तक तो एक ही आया था यहाँ करो पे। करो। ओके बट फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है, तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। मॉडुलस आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो क्या करो पहले एक्स की वैल्यू 3 इसके अंदर डालो, तो हाँ एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 - 1 क्या मिलेगा, +2 की -2, हाँ 2 + 2 प्लस टू, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर दो एक्स माइनस वन। अब इसमें डालिए वैल्यू, तो क्या हुआ 3 - 5 क्या मिला, -2, हाँ मतलब क्वेश्चन को हमें खुद से एक माइनस देना पड़ेगा, समझ में आया। ओके ओके मतलब तो जैसे क्वेश्चन को अपने खुद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिल्कुल करते थे। बिल्कुल जैसे उसमें इंटीग्रेशन में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे अपन ने, है हाँ ना। सो अपने एक्स की वैल्यू 3 डाली, तो क्या 3 - 5 -2 आया, तो एक और माइनस देना पड़ेगा, तो ये हो गया -x - 5। चलो ब्रैकेट हो गया बंद, चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो DYdx ऑफ एक्स माइनस वन माइनस का एक्स प्लस 5। अरे इसकी कहानी तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई, अंदर केवल क्या बच गया फंक्शन की फॉर्म में 5 - 1 4, फोर मतलब DYdx इज इक्वल टू 4। 4 का डिफरेंशिएशन कितना 0, जीरो बेचारे ने वैल्यू रखने का भी मौका नहीं दिया, आंसर डायरेक्टली 0 होगा चाहे x इक्वल टू 3 या कुछ भी, है ना। तो आंसर यस।